हमें पता है कि आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स कितने पसंद है, बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट देयर इज नो सच थिंग एज लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। ये सब बैंक्स ने एक मार्केटिंग गिमिक बना रखी है और आप इस जाल में फंस चुके हो। नहीं, कोई क्लिकबेट नहीं है। इस वीडियो में आई टेल यू व्हाई देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड या फ्री क्रेडिट कार्ड एंड व्हाई प्रीमियम कार्ड्स आर बेटर देन फ्री क्रेडिट कार्ड्स। यार, अगर आप क्रेडिट कार्ड कुछ टाइम से यूज कर रहे हो तो आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड में हर 2-3 साल में चेंजेस आते रहते हैं। जो बेनिफिट्स आपको आज मिल रहे हैं वो आपको कल नहीं मिलेंगे, और कल क्या आपको मिलेगा वो तो हमें पता नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली क्रेडिट कार्ड लिया होगा या लेने वाले होंगे, उनके लिए बहुत शॉकिंग न्यूज होगी, बट यार यही सच है। इनफैक्ट 2-3 साल में हमने क्रेडिट कार्ड्स में इतने चेंजेस देख लिए हैं कि आज की तारीख में प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो गया है कि जो बैंक्स आपको फ्री क्रेडिट कार्ड, फ्री लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं वो अगले साल फ्री रहेगा भी या नहीं। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड कंपनीज हम जैसे भोले भाले कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए निकालती हैं। जैसे ही उनका टारगेट पूरा होता है वो उस पर चार्जेस लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो कि चार्जेस का नाम सुनकर अपना कार्ड बंद करवा देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आलस के मारे चार्जेस दे देते हैं। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड शुरू में तो अच्छा रहता है, लेकिन एज द टाइम पासेस उसकी यूटिलिटी कम होती रहती है। सो इन आवर ओपिनियन इट्स बेटर कि हम कुछ एनुअल अमाउंट दे दें, एनुअल प्रीमियम दे दें, सो दैट वी गेट अ डिसेंट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। आई टेल यू व्हाई। देखिए, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स पे जनरली 500 से 1000 रुपए की एनुअल फीस रहती है और उनका रिवॉर्ड रेट रहता है 2-3% का। कुछ अच्छे कार्ड्स आपको 5% कैशबैक भी देते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम 2-3% ही अज्यूम करेंगे। मेजॉरिटी प्रीमियम कार्ड्स में आपको एक स्पेंडिंग माइलस्टोन मिलता है जिससे आपकी फीस वेव ऑफ हो जाती है, जो एनुअल फीस है। जनरली वो माइलस्टोन होता है 1-2 लाख रुपए पर एनम। अगर आप वो माइलस्टोन हिट कर लो तो आपका प्रीमियम कार्ड बन जाता है फ्री क्रेडिट कार्ड, और आपको उस पे जो 1-2 आप जो 1-2 लाख रुपए खर्च करते हो उस पे आपको 2-3% का कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है वो अलग। सो आपका 2-3 हज़ार रुपये का फायदा वहाँ हो जाता है। उसके बाद प्रीमियम कार्ड्स में जो आपको बाकी ऑफर्स, डिस्काउंट्स, लाउंज एक्सेस वगैरह मिलता है, उसकी तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, 1 से 2 लाख रुपए खर्च कर दो पर एनम, मजाक है क्या? बोल तो दिया इन लोगों ने कि 1 से 2 लाख रुपए खर्च कर दो, कैसे कर दें? 1 से 2 लाख रुपए पर एनम मतलब होता है 16 से 17 हज़ार रुपए का महीने का खर्चा। क्यों करें हम क्रेडिट कार्ड से इतना खर्चा, क्या मतलब है? इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आपका जो महीने का बड़ा खर्चा होता है, जो बड़ी पेमेंट होती है लाइक रेंट पेमेंट, वो आप क्रेडिट कार्ड से करना शुरू कर दो। इससे आपको मल्टीपल फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपको 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाएगा जिससे आपका कैश फ्लो इजीली मैनेज हो जाएगा। अगर आपको कैश फ्लो की दिक्कत नहीं भी है तो भी इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू डू दिस थिंग। आई टेल यू व्हाई। ऐसा करने से आप फ्री फोकट में 0.8-0.9% का कैशबैक कमा सकते हो। उस पैसों का 45 डेज के लिए अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल सकते हो जहां पे आपको 6-7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और भी फायदे, आप रेंट पेमेंट करोगे तो इससे आपका स्पेंडिंग माइलस्टोन इजीली अचीव हो जाएगा जिससे आपकी क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगी। अब क्योंकि जो रेंट का अमाउंट होता है वो जनरली ज्यादा होता है, तो इससे आप अच्छे रिवॉर्ड्स भी कमा सकते हो। क्रेडिट कार्ड से रेंट पे करने के लिए चेकआउट housing.com। housing.com as we all know has been in the market for quite a while now and it has one of the best user interfaces। इसमें आपको रेंट पे करने के लिए अपने लैंडलॉर्ड का पैन या रेंट अग्रीमेंट नहीं चाहिए होगा। इनफैक्ट अगर आप इससे अपना रेंट पे करोगे तो आपकी ऑनलाइन रेंट रिसीट भी जनरेट हो जाएगी, विच कैन बी यूज टू क्लेम योर HRA फॉर सेविंग टैक्सेस। housing.com से रेंट पे करने के लिए यू नीड टू फॉलो दीज 3 स्टेप्स। स्टेप 1 में लॉगिन करके अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। स्टेप 2 में अपने लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी की डिटेल्स एंटर करनी है। स्टेप 3 में अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालनी है एंड यू आर डन। चलो, ये तो बात हो गई एनुअल फीस की, बट एनुअल फीस के अलावा देर आर 15 अदर डिफरेंट चार्जेस फीस जो आपके क्रेडिट कार्ड पे लगती है, जैसे कि फॉरेक्स चार्जेस, कैश विड्रॉल चार्जेस, ईएमआई फीस, लेट पेमेंट फी एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल्दो ये सारे चार्जेस, ये सारी फीस आपको दोनों प्रीमियम कार्ड एंड फ्री क्रेडिट कार्ड में लगती है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपका कार्ड का प्रीमियम जितना ज्यादा होगा ये फीस उतनी कम होगी। अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप कंपेयर करके देख सकते हो। ये तो अभी समझ आ गया कि अगर आप प्रीमियम कार्ड का एनुअल फीस दोगे उससे कई ज्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हो, बट वी स्टिल अंडरस्टैंड इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर अ प्रीमियम कार्ड। आई अंडरस्टैंड दिस बिकॉज 4 से 5 साल पहले मेरी भी सेम सिचुएशन थी। आई कुडंट अफोर्ड टू पे एन एनुअल फीस फॉर माई क्रेडिट कार्ड, बट मुझे प्रीमियम कार्ड के सारे फायदे भी चाहिए थे। तो मैंने उस सिचुएशन में जो करा मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ, मे बी यू कैन यूज द सेम स्ट्रेटजी। सबसे पहले तो मैंने लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ही लिया। उस टाइम पे थोड़े कम ऑप्शंस थे, बट आई फाउंड वन डिसेंट कार्ड। आई स्टार्टेड यूजिंग इट एंड आई यूज्ड इट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स एंड विद इन 2 ईयर्स आई स्टार्टेड अर्निंग डिसेंटली एंड आई मेड श्योर कि इन 2 सालों में आई ओनली यूज 30% ऑफ माई क्रेडिट लिमिट एंड आई मेक माई पेमेंट्स ऑन टाइम। ये बिहेवियर देख के बैंक ने मुझे फ्री में अपग्रेड ऑफर किया, जो कि ऑलमोस्ट सारे बैंक्स करते हैं। बट द प्रॉब्लम वॉज कि उस कार्ड की एनुअल फीस वॉज 2500 रुपीज, जो कि मुझे तब भी ज़्यादा ही लग रही थी। तो मैंने बैंक से थोड़ा नेगोशिएट किया। आई आस्क्ड देम कि अगर आप मेरी फीस वेव ऑफ कर दो फॉर 2-3 ईयर्स देन आई विल टेक दिस कार्ड। आफ्टर सम नेगोशिएशन बैंक फाइनली अग्रीड टू इट।
जस्ट अ टिप, आप अपनी एनुअल फीस को वेव ऑफ या नेगोशिएट कर सकते हो बैंक्स के साथ. 90% ऑफ द बैंक्स विल अग्री टू इट. सो फाइनली बैंक ने मुझे एक अपग्रेडेड प्रीमियम कार्ड दे दिया. उसके एक साल बाद आई अप्लाइड फॉर अ सुपर प्रीमियम कार्ड फ्रॉम अ डिफरेंट बैंक. उनको मैंने बोला मेरे पास एक प्रीमियम कार्ड है जिसमें 3 साल की फीस वेव ऑफ हो रखी है, तो आपको ये ऑफर मैच करना पड़ेगा. टू माई सरप्राइज दे ऑल्सो अग्रीड, दे वेव्ड ऑफ माई फीस बट ओनली फॉर 2 ईयर्स. तो ऐसे करते करते मेरे पास आज की तारीख में 2 से 3 प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम कार्ड है जिसमें से मैं सिर्फ एक की एनुअल फीस देती हूँ. ऑल्सो मेरा सिबिल स्कोर 800 प्लस हो गया है क्योंकि मेरी 5 साल से ज्यादा की क्रेडिट हिस्ट्री हो गई है एंड आई नेवर डिफॉल्टेड ऑन माई पेमेंट्स. इन शॉर्ट, अगर आपको भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ रहा है सो मेक श्योर यू यूज दीज कार्ड्स टू क्वालिफाई टू गेट अ गुड प्रीमियम कार्ड. अगर जिंदगी भर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड यूज करते रहोगे ना तो क्रेडिट कार्ड का कभी फायदा नहीं उठा पाओगे. ऑल्सो इफ यू आर ऑलरेडी यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड एंड इफ यू आर लुकिंग टू ऑटोमेट योर रेंट पेमेंट्स, मेक श्योर यू चेक आउट housing.com. लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. टिल देन बी किफायती.